हेलो ऑल वेलकम टू ईकीडा गाइस आज भी हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वारंटी एंड इट्स टाइप्स ये टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं सो so, हमने प्रीवियस वीडियो में कंडीशन क्या है कंडीशन के टाइप्स क्या है ये टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया है आज हम

कॉन्ट्रैक्ट collateral collateral मतलब है. है? और जिसके ब्रीच होने से हम सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं बट हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते रेप्यूडिएटेड मतलब कैंसल करना ठीक है मैं एक बार रिपीट करती हूँ एक ऐसी सिचुएशन जो कोलेट्रल है कोलेट्रल मतलब जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की है अगर वो फुलफिल नहीं भी होती है या उसका ब्रीच होता है तो हम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ठीक है बट हम अपने गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते तो जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की चीज है उसे हम वारंटी कहते हैं ठीक है ये वो वाली वारंटी नहीं है जो हम वारंटीज और गारंटीज को बोलते हैं यहाँ पे जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो यहाँ पे वारंटी का मतलब है है सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की सिचुएशन ठीक और अगर उसकी ब्रीच हो जाती है या वो फुलफिल नहीं होती है तो हम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते अब इसी डेफिनेशन को और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल एक देते हैं ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल हमने कंडीशंस के वीडियो में भी देखा था तो समझने के लिए हो जाएगा अब एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कंडीशन में हमने एक एग्जाम्पल को कैसे देखा था कि एक लेडी है जो रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रही है बट वो लेडी ने अपना इंटीरियर करवाया है घर का सो so, उसकी कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि घर के इंटीरियर के मैचिंग के साथ ही उसका रेफ्रिजरेटर का कलर होना चाहिए सो so, कलर ये उसकी प्रायोरिटी थी कलर ये उसकी कंडीशन थी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसको कलर जो है वो रेड कलर का ही रेफ्रिजरेटर चाहिए फिर कोई भी ब्रांड का चलेगा कोई भी साइज का चलेगा डबल डोर सिंगल डोर वो सब चीजें चलेगी बट रेड कलर ये उसका प्रेफरेंस था तो जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो होता है कंडीशन ठीक है ये हमने कंडीशन के एग्जाम्पल पे ये सिनेरियो देखा था अब इसी को एक्सटेंड करते हैं जब मैं वारंटी में ये एग्जाम्पल को देखती हूँ तो यहाँ पे उसके सेकेंडरी इम्पोर्टेंस क्या है कोई भी ब्रांड का चलेगा डबल डोर सिंगल डोर चलेगा कितने भी टन का चलेगा साइज हाइट सब चलेगा तो ये जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है वो हो जाती है मेरी वारंटी ठीक है कोई भी ब्रांड ये मेरी वारंटी है।, है कोई भी डोर डबल डोर सिंगल डोर ये मेरी वारंटी है कितने भी हाइट का मेरी वारंटी है कोई भी साइज का ये मेरी वारंटी है तो जो सिचुएशंस मेरे सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के होते हैं उन्हें हम वारंटी कहते हैं ठीक है सो टाइप्स ऑफ वारंटी सेम एक्सप्रेस वारंटी एंड एम्प्लाइड वारंटी हमें पता है एक्सप्रेस वारंटी वो वारंटीज होती है जो कस्टमर अपने हिसाब से उसको टेलरिंग करता है ठीक है इम्प्लाइड वारंटी ऑब्वियसली जहाँ पे लॉ ने बोला है लॉ क्या बोलता है कि एक्सप्रेस वारंटी ऑब्वियसली कस्टमर अपने हिसाब से उनकी नीड्स के हिसाब से अपनी वारंटीज लेके आएगा बट इम्प्लाइड वारंटी इज समथिंग जो सेलर को फुलफिल करनी ही है ये लॉ ने दी है सो इम्प्लाइड वारंटीज क्या है फर्स्ट है एस टू अनडिस्टर्ब्ड पजेशन ऑब्वियसली एकदम सिंपल है अनडिस्टर्ब्ड पजेशन जब बायर को पजेशन मिल जाता है वो प्रोडक्ट का तो वो अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए अनडिस्टर्ब्ड मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए किसी का भी इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए पूरा पजेशन एंजॉय कर सकता है बायर ऐसा होना चाहिए ठीक है सेकेंड है एज टू फ्रीडम फ्रॉम एंकम्ब्रस ये जो सेकेंड पॉइंट है वह फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है कि जो पोजेशन मिला है गुड्स का बायर को उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्टैकल एंकम्ब्रस मतलब ऑब्स्टैकल नहीं होना चाहिए ठीक है वो अपने गुड्स को फ्रीली विदाउट एनी हार्म विदाउट एनी ऑब्स्टैकल एंजॉय कर सकता है थर्ड है टू डिस्क्लोज़ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स ऑब्वियसली ये हमें पता ही है कि अगर गुड्स के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या अगर गुड्स में कुछ डेंजरस नेचर है तो सेलर को वो डिस्क्लोज़र करना है कि हार्मफुल हो सकता है उसको ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना है या ज्यादा डोसेज नहीं लेना है अगर कोई फूड आइटम्स है तो, तो वो सारे डेंजरस नेचर डिस्क्लोज करने हैं फोर्थ है वारंटी एंड नेक्स्ट बाय यूसेज ऑफ ट्रेड एकदम सिंपल यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब क्या है कि ट्रेड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि जैसे डेट डेट लिखना 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 या एक्सपायरी लिखना, इंग्रेडिएंट्स लिखना, तो ट्रेड के यूसेज के साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी सारे फुलफिल होने चाहिए सो so गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक वारंटी एंड इट्स टाइप्स काफी छोटा और काफी सिंपल टॉपिक था गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा सो so, आज हम यही रुकते हैं टिल देन बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग थैंक यू